morning, students. Today we will learn chapter 3. Use of has and have. आज हम लोग has और have के बारे में पढ़ेंगे. Okay? Has और have इसके साथ use किया जाता है. So open your copy book, page number 20, and look at the board and write. Okay? Use of has and have. क्या पढ़ना हमको? Use of has and have के बारे में हमें पढ़ना है. Has is used with singular noun. Has is used with singular noun and pronoun. Nouns are pronouns. Singular nouns or pronouns के साथ has का यूज होता है. ध्यान दीजिए. He, she, it, she या कोई भी नहीं हो. ओके. एग्जाम्पल चेक कीजिए. एग्जाम्पल रीता हैज अ पेन. ओके. रीता हैज अ पेन. अब है क्या यूज बना जाए. Have you do it? Plural nouns or pronouns? Plural nouns or pronouns के साथ have का use किया जाता है. Okay? I, we, you. And they. Okay? इसके साथ जो है हम have का यूज करते हैं. एग्जाम्पल चेक कीजिए. एग्जाम्पल रीता एंड सीता have a car. Okay? यहाँ ध्यान दीजिए. यहाँ हम डाल सकते हैं रीता हैज अ पेन, तो यहाँ ही हैज अ पेन भी हो सकता है. सी हैज अ पेन या इट हैज अ टेन. ओके. कुछ भी हो सकता है. ओके. हैव यू यूज्ड विद प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस जैसे आई वी यू एंड दे. एग्जांपल रीता एंड सीता हैव अ कार. यहाँ आई के साथ भी कार लग सकता है. आई हैव अ कार, वी हैव अ कार है ना. We have a car, they have a car. This is कुछ भी हो सकता है. ओके. आई ले दिस. आपने इसे नोट कर लिया. आई ले दिस. ओके. इस चैप्टर का तो हैज और हैव का यूज पढ़ा है. अब इसको फिल करते हैं किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा. ओके. पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर ये हमको डालनी है. ओके. ये मैं आपको समझा देता हूँ. ही इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैज और हैव के साथ हमको जो है डालनी है किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा. द एस्ट्रियल केस ओके. यहाँ क्या लगेगा. द एस्ट्रियल केस हैज लगेगा. ओके. द एस्ट्रियल केस हैज बीन कि नहीं. नंबर टू में द प्रिंसिपल हैज टेकन अ
ग्राउंड ऑफ द स्कूल, ग्राउंड ऑफ द स्कूल। तो यहाँ प्रिंसिपल के साथ हैश लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वी, वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ओके, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, आवर वर्क। नेक्स्ट नंबर फोर, द बॉय, बॉयज प्लुरल हो गया, हम लोग पढ़े प्लुरल के साथ हैव लगता है, बॉयज है। प्रिपेयर, बॉयज है प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट नंबर फाइव, दे के साथ हैव का यूज होता है, दे विल है देयर लंच नाउ, देयर लंच नाउ। नेक्स्ट नंबर सिक्स, सी, सी के साथ क्या होगा, हैव, सी हैव अ ब्राउन बॉल, ब्राउन डॉल। बुक के हिसाब से आपके यहाँ डॉल है, ब्राउन डॉल। नेक्स्ट नंबर सेवन, अजय, अजय नेम है और सिंगुलर नंबर है, सो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। अजय हैज अ बैग ऑन हिज बैग। ओके, ने देखा यहाँ हम लोग सेवन तक पढ़े हैं, दैट ईयर के सिंगुलर है, ईयर के मतलब होता है सीरीज, तो इसके साथ हैज का यूज किए। प्रिंसिपल हैज, वी के साथ है, वाई के साथ है, दे, दे के साथ भी है होता है, सी है, है, आई रेज दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, द चिल्ड्रन इन द ब्लैंक्स गो टू देयर क्लासरूम, द चिल्ड्रन, यहां हो जाएगा आपका चिल्ड्रन क्या है, प्लुरल है, सो हैव का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर नाइन, द टीचर, टीचर जो है सिंगल है, अ बुक इन हर हैंड। ओके, टीचर के साथ हैव का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर टेन, ऑल द पेरेंट्स collected the report card, report cards। ओके, यहाँ ऑल द पेरेंट्स, पेरेंट्स हैं, सो यहाँ हैव होगा। ओके, नेक्स्ट अलेवन, द कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ब्लू मॉनिटर, चलिए कंप्यूटर। ओके, ये पेज नंबर 20 आपका फिनिश हो गया। आपने यहाँ देखा किसके साथ हैव का यूज होता है, किसके साथ हैज का यूज होता है, ना समझ में आ गई, प्लुरल के साथ है, सिंगुलर के साथ है, प्लुरल के साथ है, सिंगुलर के साथ है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आई रेज दिस,
सभी इसे कॉपी में नोट करते चले और पढ़ते चले, पढ़िएगा समझ में आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाज और वार का ही। ओके ये चैप्टर थर्ड का ही है सर, थर्ड का पेज नंबर 21 में आते हैं, थर्ड का पेज नंबर 21 यूज ऑफ वाज और वार। ओके वाज और वार का यूज हमें पढ़नी है। ओके फिर वही चीज है, वाज का यूज जो है सिंगुलर के साथ होता है। Was used with singular noun. Or pronouns. ये टेंस बदल जाता है सिर्फ वो पास्ट टेंस में लगता है ना प्रोनाउंस। जैसे यहां भी आई See, he and he. Okay. इसे एग्जाम्पल चेक कीजिए। एग्जाम्पल My mother was going to temple. मदर जो है सिंगलर है इसलिए लगा। अब वर्ड में चेक कीजिए, वर्ड यूज्ड विथ प्लुरल नाउंस और प्रोनाउंस। चेक कीजिए कैसे होता है, वी You and they. इसके साथ हम वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया द गर्ल्स वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड करते हैं। पेज नंबर 21 का आई रीड दिस। क्वेश्चन नंबर 8 फील इन द blanks with was or were. Okay क्या करना है, was और were का यूज करनी है हमें। नंबर वन में द क्रो फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग टू मच नॉइज Making too much noise. यहाँ एक क्रो है, द क्रो मतलब क्रो एक यहाँ आवाज लगेगा। ओके नेक्स्ट नंबर टू आई राइडिंग माई बाइसाइकिल। ओके यहाँ आई के साथ हम वर्ड का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट नंबर थ्री My uncle and auntie traveling by the train। यहाँ क्या हो जाएगा, अंकल एंड
than one, so we use your plural. Number four, the boy fill in the blanks playing outside. ओके बॉय है बॉय के साथ हम क्या करेंगे बॉय का यूज करेंगे ये पुरुषार्थ है ओके द बॉयज वर प्लेइंग आउटसाइड नंबर फाइव नेक्स्ट सीता सीता फिल इन द ब्लैंक्स टेकन अवे बाय रामना यहाँ सीता सिंगुलर है सो वर होगा नंबर सिक्स द फ्रॉक्स द फ्रॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स टेकन बाय written by the cranes kya ho gaya the frogs plural hai so we use was the frogs were written by the cranes okay number 6 tak finish ho gaya aap ise note kare okay I read this abhi jo hai 6 question shesh hai so main bhi down write karti hu okay चलिए नंबर सेवन में आ जाए हम लोग राइट नंबर सेवन रोहित फिल इन द ब्लैंक्स क्रॉसिंग द रोड क्रॉसिंग द रोड रोहित है सिंगुलर है सो यूज वाज वाज का हम यहाँ यूज करेंगे है ना सिंगुलर के साथ वाज नंबर एट रिया एंड निशान रिया एंड निशान फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग इन द पार्क ओके रिया एंड निशान के साथ वर्ड का यूज करेंगे ये मोर देन वन है प्लूरल हो गए हैं नंबर नाइन नंबर नाइन में आ जाते हैं द मंकी मंकी फिल इन द ब्लैंक्स जंपिंग ऑन द जंपिंग ऑन द ट्री जंपिंग ऑन द ग्रास ओके ग्रास पे जंप कर रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा मंकीज है सो वी राइट वर्ब यहाँ हम वर्ब का यूज करते हैं नंबर टेन द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन फिल इन द ब्लैंक्स रेड बाय देयर टीचर चिल्ड्रेन है प्लूरल है सो वी यूज वर्ब ओके नेक्स्ट इलेवन देयर फिल इन द ब्लैंक्स एंड एंड अंडर माय डेस्क यहाँ एंड एंड है एक एंड है इसलिए यहाँ वाज का यूज करेंगे ओके नेक्स्ट नंबर ट्वेल्व Eat fill in the blanks. Raining heavily. यहाँ भी हम वाज का यूज करेंगे ऐसा ओके आपने देखा वाज एंड वर्ड का हम लोग देखे ये चैप्टर फिनिश हो गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुल नाउन पढ़ेंगे आप इसे नोट कीजिए और लर्न कीजिए ओके हैव अ नाइस डे